मतलब शादी मम्मी एक जगह फिक्स कर दी है, मतलब टीचर है, बट मेरे को नहीं करना यार। रत्ती नाम है ना आपके फियांसे का, जो शादी ब्याह का बात चल रहा है आपका, जिससे? हाँ हाँ, जिससे हमारा शादी होने वाला है। इस वीडियो के स्पॉन्सर किया है व्ल्यू ऐप ने। व्ल्यू ऐप यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब आप घर बैठे अगर ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो तो ये ऐप पर आएँ और ढेर सारा पैसा कमाएं। इसका बस एक छोटा सा प्रोसेस है, मतलब इसमें सबसे पहले आपको रिचार्ज करना होता है, उसके बाद आपको 1 से लेकर 9 तक एक नंबर आएगा और 3 कलर आएगा, किसी एक पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप सही नंबर या सही कलर पर क्लिक करते हो, टाइप करते हो, तो आप जीत जाते हो। इसमें सबसे ज़्यादा बोनस मिलता है रेफ़र करने का, मतलब आप जितना अधिक इसको रेफ़र करोगे अपने दोस्तों के पास उतना अधिक आपको बोनस मिलेगा। मैंने भी अपने दोस्तों को रेफर किया और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और जीते हुए पैसे को या फिर जो आपको बोनस मिला वो पैसों को आप आसानी से विड्रॉल कर सकते हो अपने अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, तो देर किस बात की, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी जाके चेकआउट करें और ढेर सारे पैसे कमाएं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं उदयन खान। दोस्तों आज का जो प्रैंक होगा वो प्रैंक होगा बहुत ही जबरदस्त। दरअसल ये प्रैंक होने वाला है मेरी बेस्ट फ्रेंड रत्ती सिन्हा पे। आपको जैसे कि पता है या नहीं पता है तो बता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस खोलने वाला हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहे, उसी से रिलेटेड मैं अपनी फ्रेंड को बुलाने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स लेकर, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रैंक बनने वाला है। आई होप सो रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त आएगा, तो देखते हैं होता क्या है पूरा प्रैंक में। आती हुई होगी। कार्तिक लगा ले। कार्तिक 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 घुमा घुमा घुमा। सैनिटाइजर है? सैनिटाइजर। क्या चीज़ में है पूरा? इसमें पूरा अच्छे से हम डिटेल डाल दिए हैं, तो देख लियो, फिर चेंजेस करना होगा तो तू कर दियो, नहीं तो मेरे को बता दियो। बोला जो करना है इसमें, पैसे दिमाग खराब हुआ तुमको? ये चीज़ हम व्हाट्सएप भेज रहे, नहीं समझ में आ रहा था, बुलाया इतना दूर, इंसान का कैसा मूड रहता नहीं रहता समझ में नहीं आता तुमको। तुमको क्या हो गया? तुमको क्या हो गया? क्या अजीब हाल है, इंसान को पर्सनल लाइफ नहीं होता है? मेरा माथा खराब है, प्लीज़ देख लियो। तेरे को भेज रहे थे व्हाट्सएप पे, फिर भी तू नहीं लेके आओ, लेके आओ। काहे लेना रूडी बिहेव कर रही है हमसे? कुछ नहीं यार, छोड़ना। काहे छोड़ना? हुआ काहे, प्यार से पूछ रहे, बता ना हुआ का? काला फैमिली का क्या कहा है भाजी, क्या बताएं? छोटी दीदी का शादी मतलब हो गया ना लास्ट ईयर, तो हम बचे तो शादी वादी का बात, मतलब शादी मम्मी एक जगह फिक्स कर दी है, मतलब टीचर है, बट मेरे को नहीं करना यार। मतलब बहुत मुझे बहुत बड़ा है, 8-9 साल बड़ा है और टीचर है, और देख सिंपल बात, बड़ा है छोटा है उससे मैटर नहीं करता, मेरे को करना ही नहीं है किसी शादी। और मेरे को तो जानता है ना कि मेरा लाइफ का एम क्या है, मेरे को लाइफ में कुछ करना, अपना नाम बनाना, अपना पहचान बनाना है, और ये चीज़ को समझ ही नहीं रहा। मैं शादी कर लो, हम सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, नहीं सब कोई क्यों नहीं समझता है कि हम शादी करने से सेटल नहीं होंगे, हम अपना नाम कमा के, अपना नाम बना के सेटल होंगे, और हम बना भी नहीं कर सकते। लड़का क्या करता है? टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है। सही तो है, सरकारी नौकरी है, फिक्स हो जाएगी। सरकारी नौकरी से हम क्या करेंगे? अरे यार मेरे से 7-8 साल बड़ा है, बहुत मतलब एजेड अंकल जी टाइप का एकदम, यार इतना चीपू है ना, कसम से बता रहा है, जब से उसको मेरा नंबर मिला दिन में 100 बार कॉल करता है, रति क्या कर रही है, रति क्या कर रही है, कसम से कभी तो मन करता नहीं इतना। फियांसे हो तो करेगा ना कॉल यार, कसम से बता रहा है, इंसान चाहे तो सो भी नहीं पाता है। रति क्या कर रही है, तो सो गई। अरे भाई शांत से रहने दे, और मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि सामने वाला बंदा उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, चेप टाइप का है यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब हद से ज़्यादा लिटरली बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा यार, कसम से कभी मन करता ना कि इतना गाली देना, लेकिन हम क्या बोले, बस मम्मी के चेहरे देख के चुप हो जाते हैं। तो मम्मी को खुलकर बात बोलो कि मम्मी नहीं कर सकते हैं। नहीं बोल सकते यार, पता नहीं इमोशनल अत्याचार करने लगती है। हम कुछ करें? तुम क्या करोगे? बोलोगे कि हम नहीं शादी करना चाहती है और बवाल हो जाएगा। नहीं, हम दूसरा तरीका से बताएंगे। क्या करोगे? हम बता रहे हैं ना क्या करेंगे। करोगे क्या? बता रहे हैं क्या करेंगे। बे यार माथा मत, मजाक नहीं करो इससे, मैं बिल्कुल ये मजाक का टॉपिक, मजाक के टॉपिक नहीं है, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बताओ कुछ करें हम। क्या करोगे? वो वाला वीडियो देखी थी? कौन वाला? लेस्बियन वाला। अच्छा देखी होगी। कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा है ना यार, मानेगा वो? हम देख रहे हैं ना बात करके। यार कुछ हो गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। रुक रुक रुक, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है। रुक 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 रुक, देखते हैं। क्या नाम है उसका? रोबिन।
गोविंद। गोविंद, अच्छा तो है, गोविंदा टाइप नाम है। गोविंदा नाम है नहीं, गोविंदा। नंबर 9195 25 25। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ गोविंद सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ गोविंद बोल रहे हैं, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, हम चिन्हे नहीं आपको। बता रहे हैं, देखिए मेरा नाम दानिश हुआ। अच्छा दानी, हाँ जी। जो पटना में जो आपका शादी लगा है, सही बात है ना? हाँ हाँ शादी तो लगा हुआ है पटना में हमारा, ये तो पक्का बात है। पक्का बात है ना? तो उसी से रिलेटेड कुछ बात करना था। रत्ती नाम है ना आपके फियांसे का, जो शादी ब्याह का बात चल रहा है आपका जिससे? हाँ हाँ, जिससे हमारा शादी होने वाला है, रत्ती नाम है जी। रत्ती ना है ना? हाँ, तो कहाँ बात करना है उसके बारे में? सर तो बात दरअसल ये है ना कि हम उसके दोस्त हैं। दोस्त हैं जी? दोस्त मतलब कॉलेज वॉलेज वाले? जी जी, मतलब कॉलेज में भी पढ़े हैं साथ में, स्कूल में भी पढ़े हैं, दो तीन जगह हमें कोचिंग उचिंग भी साथ में पढ़े हुए हैं उसके साथ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। क्या बात करना? देखिए बात दरअसल ये है ना कि आपकी जो फियांसे है, जेका से बात चल रहा है आपका शादी ब्याह का, उसका अफेयर चल रहा है। अफेयर चल रहा मारा, आजकल के जमाने की लड़की है, थोड़ा बहुत यारी दोस्ती होगा किसी से तो इतना तो आम बात है। हाँ तो मतलब आम बात नहीं है, इतना जान लीजिए। अफेयर जो चल रहा है ना, जो यारी दोस्ती जो चल रहा है, वो आम बात नहीं है जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। अरे महाराज क्या बताना चाह रहे हैं आपको, किसी लड़का के साथ घूमती उमती होगी, यहाँ आ जाएगी, सब सही हो जाएगा, इस ब्याह के बाद बहुत सब कुछ सही हो जाता है, आप टेंशन नहीं। अरे सर देखिए बात दरअसल ही है ना, वो सही होने वाला है ये नहीं है, ऐसा बात है। अरे मतलब ऐसा कौन है कि सात जन्म का प्यार मोहब्बत कर ली है, कहा कि अब उसके बाद उसको छोड़ेगी नहीं? देखिए हम आपको साफ सुथरा एगो बात बता देते हैं। हाँ बताइए। उसका जो अफेयर चल रहा है ना, वो अफेयर चल रहा है वो लड़की के साथ चल रहा है। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, लड़की के साथ वो अफेयर करेगी, हमको बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं? अरे वो कुछ नहीं बना रहे हैं। हाँ। सही बता रहे हैं आप, सरकारी आदमी है, सरकारी टीचर है, तो आपको पता ही होगा कि सरकार जो है 377 लागू किए हुआ है, LGBTQ हमारे देश में भी लागू हो गया, पता है ना? तो ठीक है पता है, लेकिन हम भी एक आध बार देखे, ऐसा नहीं लगता है। और शादी तय करवाया है हमारी मामी ने, तो हमारी मामी को नहीं पता है। मामी शादी तय करवाई है, मामी लड़की के नेचर के बारे में ना पता की है कि उसके नेचर क्या है, क्या नहीं है? देखने से तो ऐसा नहीं लगा कि वैसी लड़की होगी। तो हाँ तो वही बात है कि लड़की लड़की से कर लेता है, लड़का लड़का से कर लेता है, समझे? हाँ हाँ, तो वही टाइप की लड़कियाँ हैं, हम उसके बचपन के दोस्त हैं, तो सोचे कि आपको क्लियर बता दें कि आपका भी आप तनि सब व्यक्ति हैं, कहीं फंसे नहीं जाके, आपका समाज में इज्जत है, तो दो लोग थूके नहीं आप पे। लेकिन महाराज हमको जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा। हाँ तो विश्वास नहीं हो रहा, तो देखिए आपको हम एक आध बात समझाते हैं, आपको दिमाग में डालते हैं, विश्वास करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, समझे? मगर एक दो बात आपको हम ध्यान दे रहा रहे हैं, आप ध्यान से थोड़ा सुनिए मेरा बात। फेसबुक पे कहियो आप उसके साथ कोई ना लड़का का फोटो देखे हैं? ना हाँ, सहेलियों के साथ है, हम तो यह समझे कि सब घर की लड़की है, तो लड़का लड़का के साथ फोटो नहीं डालती होगी। अच्छा तो वही आपको बता रहे हैं, कौन सहेली के साथ है? एगो के साथ, एगो लड़की जो हमेशा उसके साथ जो रहती है पतले पतले, उसको देखते हैं, नोटिस करते हैं जी? पतली सी लंबी सी है, पतली सी लंबी सी एगो लड़की है, उसको देखे हैं? हाँ उसको, उसके साथ सबसे ज्यादा फोटो उसकी सहेली हो रही होगी, खास सहेली होगी जी, समझे ना? हाँ। बात खास सहेली है ना, वही हाँ। खास है उसके लिए, बात समझे? उसके लिए तो वही खास, आज कभी भी मिले उले हैं तो लड़कियाँ थी खास सहेली उसके साथ में? हाँ दोनों साथ में रहती थी, लेकिन ये अलग बात है कि हमसे बतियाते हुए और उसकी तरफ देख के मुस्कुराती थी, और लेकिन हम तो ही सोचे कि भाई अभी ब्याह नहीं है तो थोड़ा सा शर्माती होगी, इसलिए सहेली को साथ में रखती। हाँ तो बात वही है, जो सहेलियाँ उसके साथ में रहती है ना, हाँ वही तो जर है पूरा मामला के, समझे? उसके घर में ये सब बात अभी पता है नहीं, लड़की हाँ। विरोध में है कि ना शादी ब्याह ना करेंगे।
का हकीकत है, का फसाना है बहुत ज्यादा, तो हम आपके भी बात पे विश्वास नहीं कर सकते। देखिए हमारी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन छानबीन तो करेंगे ही हम, पता लगा के रहेंगे कि का मामला है। हाँ तो पता लगा लीजिए आप अपना तनिक सुखी। अब देखिए बात जो है हम आपको बता दिए हैं, एगो तब सोचे कि एगो भलाई कर देते हैं इंसानियत के नाते। आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए। नहीं भाई देखिए हम तो जांच पड़ताल करेंगे ही और हम अपनी मामी को ही बताएंगे कि मतलब कैसा लड़की खानदान में भिजवा दी, बड़ा विश्वास से कर दी कि ऐसा है वैसा, बड़ा सुंदर है, बड़ा बढ़िया बात है। चलिए हम पता करेंगे, आप फोन रखिए तो हम पता। हाँ आप पता कीजिए तनी इत्मीनान से अब। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। ओ भाई कसम से हो जा रहे, ए गुरुदेव तेरे के जय हो। ओ भाई मैं आ गई, सही बता रहे, मास्टर आ गई लाइन पे। वो हमसे साथ जन्म में शादी नहीं करेगा, वो मर जाएगा शादी नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू यार। अब अच्छे से जिंदगी काम करने में मन नहीं लग रहा था। एक और बात बताना तुमको, अभी बोल, गुस्सा ना करेगी। देख कार्तिक खड़ा कैमरा लेके, तेरे को 24 घंटा सोते नहाते प्रैंक ही सोचता है मतलब। अरे तू आ रही थी तो सोचे कुछ वीडियो बना लेते और नहीं मिला, मतलब अपने नहीं पे कर रहा है यार। मम्मी वीडियो देखेगी तो मम्मी जब वीडियो देखेगी तो मम्मी को मैनेज कर देना, नहीं कर सकती तो ना कर देंगे, बट वो अंकल देखेगा तो अंकल जब देखेगा वीडियो, जब बात फैलेगा जब तक हो गया होगा उसका कांड। ठीक है डाल दियो, डाल देंगे ना वीडियो। हाँ डाल दियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सही बताओ। अरे ठीक है डाल दियो। चल एक बार हाय तो कर दे। हाय।